रणबीर अदरीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है, लेकिन बाजवा फैमिली तो अदरीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहे हैं, वहाँ जाके सब पता चला। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अदरीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। शीतल प्लीज, बस कुछ दिनों की बात है, जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शीतल प्लीज। वरुण भाई को इतना बड़ा बुके दिया और मुझे सिर्फ एक छोटा सा रोज। शीतल प्लीज। एक सेकंड, क्या हो रहा है यार? प्यार भरी गुटर को करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? किसी ने देख लिया ना तो भांडा फूट जाएगा हमारा। सॉरी ताई, वो शीतल मुझे मिस कर रही थी इसलिए मिलने आ गई। शीतल, आई नो तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, लेकिन बस दो दिन की बात है, दो दिन ही नाटक करने दो, उसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ही है। सॉरी ताई, आई प्रॉमिस। जब तक अमन अपनी फीलिंग्स रुणमयी को नहीं बता देता, तब तक हम नहीं मिलेंगे। तब तक मैं रुणमयी का फियांसे होने का नाटक फुल शिद्दत से करूंगा। थैंक यू। ये ड्रामा चल रहा है, अब तो मैं इस चंपू और मृणमयी की सगाई करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ताई, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्लान काम करेगा। सब ठीक रहेगा, तू शांत रह। ताई मैं कैसे शांत रहूं? सगाई की सारी शॉपिंग हो गई, लेकिन मजाल है कि अमन के मुंह से एक शब्द निकला हो। एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे लग रहा है कि सब गड़बड़ होने वाला है, ये प्लान काम नहीं करेगा। और पता नहीं आपको इतनी उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि मेरी ना सारी उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी है। क्यों उल्टा सोच रही है? शांत रह ना, भरोसा कर अमन पे। वो इस वक्त ना रजत के एहसान और तेरे प्यार के बीच फंस चुका है, लेकिन यकीन मान प्यार कोई चुनेगा। भाई मेरी अमन से शादी हो या ना, लेकिन मुझे सागर से एंगेजमेंट नहीं करनी। हां ताई, मिरिन्नू का अमन भले ही रेडी ना हो, लेकिन मेरी शीतल तो रेडी है ना। ए, क्या तुम बोल रही है? क्या मैंने क्या कहा? असली में एंगेजमेंट करनी है? नहीं ना, नाटक करना है यार। बस यही तक, ये नाटक लास्ट है। इससे ज्यादा नाटक हुआ ना तो शीतल मेरा खून कर देगी। क्यों उल्टा बोल रही हो? सब सही होगा ना, जैसा बोल रही हूँ वैसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। हाँ तो एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब अमन और आहाना की एंगेजमेंट कैंसिल हो रही है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अमन और आहाना की एंगेजमेंट क्यों कैंसिल होगी? कैंसिल होगी तो तुम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल होगी। तुम्हें तुम्हारी ताई ने बताया नहीं क्या? जिस हॉल के बारे में तुम मुझे बता रही थी, मैंने वहां पर अपने डेकोरेटर्स को भेजा, उन्होंने तो बोला कि हॉल की कोई बुकिंग हुई नहीं है। इसका मतलब हॉल की बुकिंग हुई नहीं है? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है हॉल की बुकिंग नहीं हो? की है मैंने, मैं भी बात करती हूँ ना, फोन करती हूँ उनको। कॉल करने का अब कोई मतलब नहीं है, बात हो चुकी है, हॉल की बुकिंग नहीं हुई। बोला ना मैंने, मेरे डेकोरेटर्स गए थे वहां पर। पूरी दुनिया को जिम्मेदारी का लेक्चर देती रहती है और यहाँ देखो चुप गई। कमाल है सच में। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, अमन और मृणू की एंगेजमेंट हो जाए। सच? लगता है रजत को अपनी गलती का एहसास हो गया। अमन की आना के साथ और मृणमय की सागर के साथ एंगेजमेंट हो जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।